सुजुकी SS125 एक ऐसा स्कूटर जिसमें आपको माइलेज तो बढ़िया मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ ये एक ट्रेंडिंग स्कूटर है क्योंकि लोगों का ध्यान इस स्कूटर पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। और मैं एक एक करके सारे कलर आपको दिखा रहा हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे E20 का स्टीकर अभी आपने पीछे की तरफ देखा, इससे आप कन्फर्म हो लीजिएगा कि ये सुजुकी SS125 का सबसे लेटेस्ट 2023 का मॉडल है। क्योंकि इसमें जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि कंपनी ने अब E20 का अपडेट दे दिया है इंजन में, जिसकी वजह से अब आप दो तरीके का पेट्रोल इसमें डलवा सकते हैं, एक नॉर्मल वाला और एक जो फ्लेक्स फ्यूल आता है जिसमें आपको 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिक्स आएगा। अभी मार्केट में आया नहीं है लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आप दोनों तरीके का इसमें पेट्रोल डलवा सकते हैं। उसके अलावा फीचर में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन सुजुकी SS125 काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग स्कूटर क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जो कंपनी फीचर देती है, जो इंजन में रिफाइनमेंट है, इसका माइलेज है, इसका लुक है, सारी चीज़ें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। चलिए फटाफट जानते हैं इसके बारे में, सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है GRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। सबसे पहले इसका अभी मीटर कंसोल आप देख रहे हैं जो कि डिजिटल, फुली डिजिटल तो नहीं है, डिजिटल प्लस एनालॉग है क्योंकि ये एक बेस मॉडल है, आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं आगे सारे वेरिएंट्स को कवर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि बेस मॉडल में और इसमें क्या फर्क है। पहले तो मीटर कंसोल में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और स्पीडोमीटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पे जो स्विचेस आपको मिलते हैं नॉर्मल स्विच है, कोई एक्स्ट्रा स्विच कंपनी आपको नहीं देती है। राइट हैंडल साइड पर एक सिंगल स्विच मिलता है रेड कलर का जिससे आप ऑन ऑफ सारा चीज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मीटर कंसोल अगर आप टॉप मॉडल में जाएंगे ना तो वहां पे आपको राइड कनेक्ट की सुविधा भी देखने को मिलेगी, मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट भी करवा पाएंगे, और लेकिन इस वाले में नहीं करवा पाएंगे क्योंकि ये एक बेस मॉडल है और टॉप मॉडल से लगभग ये 10,000 रुपये सस्ता है। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल चार्जिंग की लिए एक जगह आपको दी गई है पोर्ट लगाने के लिए, अगर आप चाहें तो 500-600 रुपये में अलग से लगवा सकते हैं। अब बेस मॉडल होने की वजह से इसमें आपको कंपनी वो चीज़ लगी लगाई नहीं देगी, ठीक है, लेकिन टॉप मॉडल लेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये बातें हो गई। अब देखिए इसका जो सीटिंग कम्फर्ट है, मतलब चलाने में स्कूटर कैसी है, तो बड़ी बड़ी प्यारी स्कूटर है नो डाउट। अगर आप सिटी में चलाते हैं तो फिर आपको कभी डाउट नहीं होगा इस स्कूटर को लेकर, क्योंकि मजबूत भी है प्लस सीटिंग कम्फर्ट इसका काफ़ी अच्छा है। SS125 पीछे क्रोम में आपको पूरा 3D मड में क्रोम में मिलता है जो कि बड़ा प्यारा लगता है देखने में, और ये मेटेलिक कलर कैसा लग रहा है ये आप कमेंट करके बताएंगे हमको, ठीक है। अभी मैं कुछ और चीज़ें बता दे रहा हूँ। इसमें जो इंजन लगा हुआ है ना वो आपको 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, 124 cc का इंजन है। मैक्स पावर आपको 8.7 PS की मिलेगी और मैक्स टॉर्क आपको 10 यानी कि 10 Nm का मिलेगा। पावर और टॉर्क को लेकर कोई शिकायत आप नहीं करेंगे, बहुत अच्छा पावर और टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है। और पेट्रोल भरवाने के लिए पीछे आपको जो है ओपनिंग मिल जाती है, यहाँ से आप आराम से पेट्रोल वगैरह डलवा सकते हैं, आपको सीट ओपन नहीं करनी पड़ेगी। पीछे जो टेल लाइट मिल रही है आप देखिए, काफ़ी नीट एंड क्लीन ये स्कूटर मेरे को लगता है, इसमें ज़्यादा टंड कमंड कंपनी इस्तेमाल नहीं करती है, इसलिए जिनको साफ सुथरी स्कूटर की आदत है या फिर साफ सुथरा स्कूटर उन्हें पसंद है वो इस स्कूटर के साथ जा सकते हैं। एक बार टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, तो आप टेस्ट राइड लेके चेक करिएगा, ठीक है। पीछे जो आपको टायर मिल रहा है और आगे टायर मिल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आगे जो टायर मिलता है वो 90x90 का 12 इंच का 12 इंच का टायर है, और जो पीछे आप देख रहे हैं ये 90x100 का 10 इंच यानी 10 इंच का ट्यूबलेस टायर है। तो आगे 12 इंच का मिलता है और पीछे 10 इंच का मिलता है। अब दोनों ही ट्यूबलेस टायर हैं, साथ ही साथ इसमें आपको डिस्क नहीं मिलता है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि आप अभी बेस मॉडल देख रहे हैं। अगर आप इसके टॉप मॉडल में जाते हैं तो आपको डिस्क का विकल्प भी मिल जाएगा लेकिन कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। सवाल उठता है कि क्या हम बिना डिस्क वाली ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि इसमें CBS जैसी ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है, यानी कि दोनों ब्रेक एक साथ लगते हैं जिसकी वजह से आपकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। अभी देखिए यहाँ पे जो फ्रंट प्रोफाइल है, मेन हेडलैम्प है, उसको देखिए, फुली LED हेडलैम्प मिल रहा है, तो रात में उजाले को लेके भी कोई टेंशन नहीं है। ऊपर जो आपको इसके क्रोम का जो बॉर्डरिंग मिल रही है ना, ये भाई चार चांद लगा देती है, बड़ी प्यारी लगती है नो डाउट। आगे सुजुकी का जो ब्रांडिंग मिलती है आपको वो भी बहुत क्लियर लगता है। और ये है इसके साइड इंडिकेटर्स जो कि आगे ही फेंडर में इंक्लूडेड आपको देखने को मिल जाते हैं। लेग स्पेस इसका अच्छा है, अगर आपकी हाइट 6 फीट की है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि आप एक बार टेस्ट राइड जरूर लें, ठीक है। यहां पे देखिए जो आपको पहिए मिल रहे हैं ना, जो इसमें व्हील है ये अलॉय नहीं है, ये स्टील या एल्यूमिनियम वाला रिम है, आप इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि ये बेस मॉडल है। जो सस्पेंशन इसमें मिलते हैं आगे टेलीस्कोपिक है और पीछे स्विंग आर्म सस्पेंशन कंपनी लगा कर देती है। सस्पेंशन क्वालिटी अच्छी है, एक्टिवा से अगर आप इसकी तुलना कर रहे हैं तो आप एक बार टेस्ट राइड लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैं एक शब्द में बोलूंगा कि मुझे एक्टिवा से ये बेहतर लगती है। अब आप बताइएगा।
अब मैं इसकी कीमत को लेकर थोड़ा सा खुलासा करता हूं। मैं आपको बता दूं कि 2023 में अगर आप लेने वाले हैं यही बेस मॉडल, तो ये आपको 80,000 रुपये एक्सोरूम प्राइस में मिल जाएगी और 95,000 में ऑन रोड मिल जाएगी, 95,000 में ऑन रोड मिल जाएगी। और हो सकता है कीमत थोड़ी बहुत एरिया वाइज बढ़ सकती है, तो 1 लाख तक का अपना बजट रखिएगा। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल लेना चाहें जिसमें फीचर आपके बढ़ जाएंगे अच्छे खासे, तो आप अगर वो लेना चाहें तो 10,000 रुपये उसमें और ऐड करिए, यानी कि 1,05,000 से लेकर 1,10,000 में आपको टॉप मॉडल मिल जाएगा और ये वाला आपको 1 लाख के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, कन्फर्म हो गया ना। अभी माइलेज भी इसमें अच्छा मिलता है, 50 का माइलेज आप निकाल सकते हैं अगर आप इको स्पीड में चलाते हैं। 125 सीसी का इंजन है, लेकिन 50 का माइलेज आपको आसानी से मिल जाएगा। बहुत से लोगों ने इस चीज़ को गेन किया है और इसमें 5 लीटर का फ्यूल टैंक लगा हुआ है। और इस स्कूटर की जो लंबाई है 1870 mm है, ऊंचाई इसकी 1160 mm है, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है, सीट हाइट 773 mm की है और 103 किलोग्राम इसका वजन है। तो देखिए सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दी। अभी भी अगर आपके कोई भी डाउट है इस स्कूटर से जुड़े हुए, तो आप कमेंट करिएगा, मैं वहां पे आपका रिप्लाई करूंगा। ध्यान रखिएगा अपना, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।